हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ज़ोमैटो फ्रॉड डिस्टेंस के बारे में। शायद हो सकता है आपको मालूम हो या ना मालूम हो, ये वीडियो स्पेशली जो न्यू राइडर ज़ोमैटो में काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं ज़ोमैटो में फ्रॉड डिस्टेंस क्या है। जब आपको कोई भी ऑर्डर गिरता है स्विगी में या ज़ोमैटो में, तो आपको दो एड्रेस मिलते हैं। एक तो एड्रेस होता है आपका रेस्टोरेंट का, और दूसरा जो एड्रेस होता है वह होता है डिलीवर लोकेशन का, यानी कि कस्टमर का। आपको कोई ऑर्डर गिरा और आप ऑर्डर के अनुसार रेस्टोरेंट पर गए, वहाँ से आपने कोई ऑर्डर उठाया, और ऑर्डर उठाने के बाद आपने कस्टमर की लोकेशन पर जाकर उसको दे दिया, यानी कि डिलीवर कर दिया। बट आपने अपने एप्लीकेशन यानी कि ज़ोमैटो एप्लीकेशन में उसको डिलीवर मार्क नहीं किया। आपने वहाँ पर डिलीवर मार्क ना कर कर एक या डेढ़ किलोमीटर दूर जाकर आपने डिलीवर मार्क किया, जहाँ पर आपको मालूम था कि यहाँ पर जाने के बाद आपको 5 रुपये या 10 रुपये या 15 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग ऑफ रेट कार्ड। इसी को ही फ्रॉड डिस्टेंस कहते हैं। अब ये होता कैसे है ये आप समझ लीजिए थोड़ा सा। एक्चुअली ज़ोमैटो में कुछ टाइम पहले अपडेट आया था, आपको शायद मालूम हो या नहीं मालूम हो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि जैसे कि आप कस्टमर की लोकेशन पर गए और कस्टमर ने आपसे बोला कि आपको ये ऑर्डर यहाँ पर नहीं देना है, एक या डेढ़ या 2 किलोमीटर आगे डिलीवर करना है। आपके साथ भी कई बार होता होगा कि कस्टमर कभी कभी क्या होता है, जो एड्रेस डालता है उस एड्रेस पर ऑर्डर ना मंगा कर किसी दूसरे एड्रेस पर मंगाता है। तो उसमें क्या होता था कि जब भी राइडर जाता था दूसरी लोकेशन पर, तो जो एक्स्ट्रा किलोमीटर चलता था, यानी कि जो एक्स्ट्रा वो चलता था, उसका कंपनी पैसा नहीं देती थी। तो कंपनी ने क्या है, एक डिसीजन लिया था कि जब भी कस्टमर अपनी लोकेशन पर ऑर्डर ना मंगा कर किसी दूसरी लोकेशन पर ऑर्डर मंगाता है, तो राइडर जितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा उसका एक्स्ट्रा अमाउंट उसको दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए उसे करना क्या होगा, उसके लिए उस लोकेशन पर जाकर जहां पर कस्टमर खड़ा है वहां पर जाकर उसको ऑर्डर देना है और उससे एक OTP मांगना है। वो OTP आपने अपने मोबाइल में डालोगे, और डालने के बाद जितनी भी किलोमीटर उसने राइडर ने तय की होती है, उस किलोमीटर का उस रेट कार्ड के अनुसार, जो कि रेट कार्ड उस राइडर को उस टाइम पर मिला होता है, उसके अनुसार उसको पैसा मिल जाया करता था। लेकिन अब क्या हुआ, इसी का जो है राइडर लोगों ने क्या करा, कुछ राइडर लोगों ने उसका क्या करा, मिसयूज करा। अब क्या हुआ होता है था, ज़्यादातर राइडर क्या करने लगे कि जहाँ पर कस्टमर ऑर्डर डिलीवर कर मंगवा रहा है वहाँ पर ऑर्डर उसको दे देते हैं, लेकिन उसको डिलीवर मार्क नहीं करते और वो किसी दूसरी लोकेशन पर जाकर डिलीवर मार्क करते हैं। और उसको इस तरीके से एक नया तरीके से फॉरवर्ड कर रहे थे कि अपना जो ऑर्डर उनके मोबाइल में असाइन हुआ हुआ है, उस ऑर्डर को किसी दूसरे मोबाइल में जो है ओपन कराते थे, यानी कि दूसरे का मोबाइल लिया, उसमें ज़ोमैटो एप्लीकेशन ओपन करा, उसमें OTP डाला, और OTP डालने के बाद सेम वही वाला प्रोसीजर फॉलो करा जो कि कस्टमर को, कस्टमर वाला प्रोसीजर था, यानी कि कस्टमर की लोकेशन पर कस्टमर से OTP मांगा, इसी तरीके से दूसरे मोबाइल में अपना एप्लीकेशन ओपन करा जो कि ऑर्डर ऑलरेडी असाइन हुआ हुआ है, उसी असाइन ऑर्डर को किसी दूसरे मोबाइल में ओपन करा और एक वहाँ से एक OTP जनरेट करा और उस OTP को उस मोबाइल में डाला और कुछ दूरी पर जाकर उसको डिलीवर कर दिया। उसमें क्या होता था, जैसे कि पहले वाले केस में एक्स्ट्रा किलोमीटर का राइडर को पैसा मिलता था, उसी केस में इस केस में भी एक्स्ट्रा किलोमीटर का कुछ पैसा मिल जाया करता था। लेकिन इस केस में अब क्या हुआ कि ये फ्रॉड जो है दिन पे दिन बढ़ता गया और कंपनी ने इसको चेक कर लिया, यानी कि कैप्चर कर लिया, और अब इस पर क्या लगा दिया, बैंड लगा दिया। अगर आप किसी भी तरीके का फ्रॉड आप ज़ोमैटो में करते हैं, तो ज़ोमैटो का ट्रैकिंग सिस्टम एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया है, उस चीज़ को कैप्चर कर लेगा, पकड़ लेगा, और आपकी ID तुरंत टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है ज़ोमैटो में किसी भी तरीके का आप जो है फ्रॉड ना करें, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम करें, क्योंकि ज़ोमैटो आपको मालूम है बहुत ओल्ड कंपनी है, दिन पे दिन जो है ये नए नए अपडेट ला रही है। इसका जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है, जो डिलीवरी सिस्टम है, बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है अपने राइडर के प्रति। तो कोई भी आप लालच में आकर कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें जिसका आपको भुगतान भुगतना पड़े। ईमानदारी से करें, कमाइए, थोड़ा कमाइए, लेकिन जेन्युइन तरीके से कमाइए। कमाने के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन इस तरीके से आप बिल्कुल मत कमाइए, क्योंकि एक दिन अगर आपने इस तरीके से कमा लिया तो फिर लाइफ टाइम आप बिल्कुल नहीं कमा पाओगे अगर आपकी ID बंद हो गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है लेटेस्ट अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।